चलिए, जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय जय हो बजरंगबली, जय श्री राम, जय हो सभी देवी देवताओं की, सभी की जय हो। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि जो हम लोग होते हैं, हम लोगों के परिवार में जो महिलाएं होती हैं या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन लोगों को कहाँ नहीं जाना चाहिए और अगर कहीं जाते हैं तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, महिलाएं वगैरह या छोटे छोटे बच्चे शमशान पर या फिर कहीं पर कोई मुर्दा घर है वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शमशान वगैरह में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके साथ आने के पूरे चांसेस होते हैं, कोई भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। अब आपको हम एक चीज बताते हैं कि अगर आप सपने में क्या, अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहां से लौट के आते हैं, जैसे आप शमशान में गए तो वहां पर आपको मतलब महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, महिलाएं जब भी जाएं तो बाल खोल के ना जाएं, बाल हमेशा बंद रहने चाहिए और सर पर पल्लू होना चाहिए या फिर स्टॉल वगैरह डाल सकती हैं जो जो लड़कियां होती हैं उनको, ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं क्योंकि इनसे नकारात्मक शक्ति का एक बचाव होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहती है जो नकारात्मक शक्तियों को आपके ऊपर हावी देती। या फिर आप कभी भी शमशान के आगे से गुजर रही हैं तो आप कभी भी ये ना कहें कि चलो भाई चल रहे हम लोग, कि चलो बहना चल रहे, क्योंकि ऐसा कहने से ये होता है कि हो सकता है वहां पे कोई और कोई हो आपके साथ में, आपको दिखती तो है नहीं चीजें, तो वो सब चीजें आपके साथ में आ सकती हैं, जैसे कोई भूत प्रेत या फिर कोई छुड़ैल, ऐसी शक्ति आपके साथ आ सकती है, तो आप ऐसी चीजों पर जाने से बचें, अपने बच्चों को भी वहां पर जाने से बचाएं, क्योंकि बच्चों पे और महिलाओं पे इनका असर बहुत जल्दी होता है। ठीक है, और जो जो पुरुष वर्ग होता है, पुरुष वर्ग को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे ये लोग मान लीजिए कहीं कोई मृत्यु हो जाती है वहां पर चले गए, है ना, तो वहां पर जब जो मुर्दे को लेके जा रहे हैं तो जब जो जलाने के बाद वहां पे कभी ये नहीं कहना चाहिए चलो भाई चल रहे, तो हो सकता है वहां पे कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके साथ में हो और वो आपके साथ चली आए, या फिर जो मर गया है उसी की आत्मा आपके साथ में चली जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है 13 दिन तक तो वो प्रेत योनि में घूमते हैं, 13 दिन के बाद जब उनका जो श्राद्ध या फिर 13वीं वगैरह हो जाती है तब उनको शांति मिलती है, तो तब तक तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो जिंदा है, वो अपने आप को मरा हुआ समझते नहीं है, और आपने उनसे कह दिया कि चलो भाई चल रहे, तो आपको थोड़ी ना पता है कि उनकी आत्मा आपके सामने खड़ी है, आपने किसी और से कहा, तो आप जब भी वहां से आए तो नाम लेके कहें कि जैसे किसी का भी नाम हो, एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम लेकर के जो भी आपका दोस्त है या फिर कलीग है, जो भी कोई आपके साथ का है उनको लेके आए, उसका नाम लेके कि चलो भाई सोनू चल रहे, चलो भाई पंकज चल रहे, है ना, चलो भाई रामू चल रहे, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और शमशान वगैरह में इन सब चीजों का आतंक बहुत ज्यादा होता है, शमशान वगैरह पे जाने से पहले
सोच समझ के जाएं, रात के टाइम पे तो खास तौर पे ना जाएं, क्योंकि रात में ये एनर्जी जागृत अवस्था में होती है, तो ये जल्दी से आपके साथ में आ सकती है। और फिर आप आ रहे हैं, आपने गलती से कह भी दिया, तो आप बार बार मुड़ मुड़ के शमशान की तरफ या मुर्दा घर की तरफ ना देखें, क्योंकि उन लोगों की तरफ देखने से उनको ये लगता है कि आप उनको बुला रहे हैं, तो वो आ जाएंगे आपके साथ में। इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। इसी के साथ ये सब परेशानियों से आप बचने के लिए अपना बचाव करें, और जब भी आप आए तो आकर के घर में घुसने से पहले थोड़ा पानी लेकर के अपने ऊपर छिटक लें और कह दें कि भाई जो भी कोई नकारात्मक शक्ति है वो चली जाए, तो वो चली जाएंगी। वरना अगर आपने ऐसा कुछ भी ये सब प्रिकॉशन नहीं किए तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपके ऊपर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। 2-3 दिन तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ, 2-3 दिन के बाद जब वो आपके ऊपर हावी होने लगेंगी तब आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग किसी को जलाने के लिए जाते हैं तो वो पहले थोड़ी देर कहीं पे बैठ लेते हैं, डायरेक्ट अपने घर नहीं आते, क्योंकि बैठने के बाद थोड़ा हाथ मुंह धुल लो, पानी वगैरह पी लो, तो वो शक्तियाँ वहीं तक आपकी सीमित हो जाती हैं, फिर वो आपके आगे चलती नहीं है, क्योंकि इन सब शक्तियों को पानी से आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, दूर दूर रहती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अपने बच्चों के ऊपर बहुत सावधानियाँ रखें, बच्चे को ऐसी जगह पर कभी भी लेके ना जाएं, शमशान वगैरह में या फिर कहीं पर भी डेड बॉडी हो गई तो वहाँ ना जाएं। ये सब चीज़ें आपको परहेज करने से ही समझ में आएंगी, और इनका विशेष ध्यान रखें। अक्सर लोग बाग इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सब विज्ञान और साइंस के उस पर चलते हैं, लेकिन साइंस वहाँ जाके फेल हो जाती है जहाँ पर इन सब चीज़ों का अस्तित्व होता है, क्योंकि साइंस तो इन सब चीज़ों को मानती ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें, कभी किसी के साथ कोई ऐसा हादसा न हो जाए, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय हो मेरे प्रभु, जय हो काली भैया, जय श्री राम।